अच्छा ये बताएं कि जो स्टूडेंट लोग इतनी जोश के साथ इस एक्ट के पीछे लगे हैं, उसका रीजन क्या है? आपको पता है कि व्हाई दिस पीपल अटैक द स्टूडेंट्स, ये क्यों स्टूडेंट्स पे ही बार बार अटैक करते हैं? द रीजन इज whomever it may be, जो एक्टिविज्म में है या जो पॉलिटिक्स में है, उन लोगों की एक प्रॉब्लम होती है, लाइक दे हैव पॉलिटिकल एजेंडास। अब मैं कुछ ऐसा बात करूँ तो कुछ लोग मुझे वोट नहीं डालेंगे, वोट पॉलिटिक्स होगा, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स उधर पे होगा। सो द पॉलिटिशियंस और वी कॉल एज अपोजिशन पार्टी, वो कम्प्लीटली बायास्ड है। दे नीड टू बैलेंस बिकॉज दे हैव इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, दे नीड टू फेस द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। बट फॉर द स्टूडेंट्स इट्स नॉट लाइक दैट, बट स्टूडेंट्स को वैसा नहीं है। स्टूडेंट्स को नेक्स्ट डे ही इलेक्शन फेस करना, नेक्स्ट ईयर इलेक्शन फेस करना, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करना नहीं रहता। सो दे विल स्पीक वॉट इज राइट, राइट इज राइट, रॉन्ग इज रॉन्ग बोल के डायरेक्टली बात करते हैं। सो इसलिए बार 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 अटैक हो रहा है। तो CAA गलत है एंड दे नो। मोदी जी बोल रहे थे ना, स्टूडेंट्स को कोई हक नहीं है कि पॉलिटिक्स बारे में बात करने की। सुन लीजिए, स्टूडेंट्स नो, स्टूडेंट आर इन सोशल मीडिया व्हेन मीडिया इज कम्प्लीटली सोल्ड आउट। मीडिया कम्प्लीटली सोल्ड आउट हो चुकी है। जो आम आवाम है वो लोग टीवी मीडिया पे, टीवी जर्नलिज्म पे बिलीव करते हैं, बट स्टूडेंट्स आर नॉट लाइक दैट। स्टूडेंट्स के हाथ में फोन है, बूम फैक्ट चेक जैसे बूम फैक्ट चेकर में वो चेक कर लेंगे कौन सी क्या सही है क्या गलत है, और कानून को वो जानते हैं। सो इसलिए दे आर प्रोटेस्टिंग विद ह्यूज एनर्जी। दे नो व्हाट्स हैपनिंग विद द क्लासमेट्स। ये क्लास में 100 लोग हैं तो 50 से 30 से 40 लोग RSS में रहते हैं, ABVP में रहते हैं, जो 5 साल से पहले, 6 साल से पहले एक ही टिफिन बॉक्स में जो खाना खाते थे वो अब कम्प्लीटली बदल चुके हैं, उछड़ चुके हैं। सो पीपल स्टार्टेड लाइक स्टूडेंट्स एंड यंग्स स्टार्टेड एनालाइजिंग दिस, क्या डिफरेंस हो रहा है, वो एनालाइज करने शुरू हुए। तो दे कम टू नो, फाइन ये लोग जो एक्ट्स ला रहे हैं, जो केंद्र सरकार, RSS सरकार, BJP सरकार जो एक्ट्स ला रही है, CAA, NPR, NRC, दीज एक्ट्स आर डिवाइडिंग द पीपल। ये डिवाइड करने का मकसद जो है, इनका एजेंडा क्या है, वो कम्प्लीटली स्टूडेंट्स को मालूम हो चुका है। दे नो व्हाट दे हैव डिड फ्रॉम पास्ट 7 ईयर्स। द स्टूडेंट ऑफ द इंडिया इज आस्किंग, PM को पूछ रहे हैं, आपकी एंटायर पॉलिटिकल साइंस की सर्टिफिकेट बताओ। ही इज नॉट रेडी टू शो। He's again and again from Kanhaiya to Aishi Ghosh, he is targeting the students. So students got like, उनको क्या सच है क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है पता चला। So they are speaking, they are doing the protest. And one more thing, अब एक आम आवाम हो तो आपका कुछ business रहता है, so you will think मैं अगर ऐसा बात करा तो ऐसा होगा, मेरा business down होगा। आप अगर politician है तो आप सोचेंगे okay fine, मैं मुसलमानों के साथ खड़ के बात करा तो, अब ये तो कम्प्लीटली CAA मुसलमानों का खिलाफ बोल के पोर्ट्रे हो रहा है, तो अब मैं मुसलमानों के साथ खड़के बात किया तो मुझे हिंदू वोट्स चल जाएंगे, हिंदू वोट नहीं डालेंगे। तो आम आवाम एंड द पॉलिटिशियंस हैव दिस काइंड ऑफ थिंकिंग्स। सो मोर देन देम स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रावर्ट है, क्योंकि इन लोगों को कोई बिजनेस का मामला नहीं रहता, दे आर थिंकिंग ओनली अबाउट द इंडियाज फ्यूचर। सो बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि जो बार बार स्टूडेंट को डराया जा रहा है, हाँ, क्या इससे स्टूडेंट की हिम्मत कम हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। आप ये कन्हैया को देशद्रोही का पट्टा बने तो कितने कन्हैया उबल गए, कितने कन्हैया उजल गए। आप एक आयशी घोष को मारे हो, हजार ना करोड़ आयशी घोष उजल कर आएंगे। आप देख रहे हो कल जामिया के इन फ्रंट एक स्टूडेंट गन लेके, एक RSS संघी द टेररिस्ट गन लेके खड़ा था। आज क्या हुआ, जामिया के सारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट बैठे हैं रोड पे। सो दिस विल शो एंड ऑल ओवर द इंडिया, इंडिया के सारे जगह पे, वर्ल्ड वाइड पे, US में, लंदन में स्टूडेंट CAA, NRC, NPR के खिलाफ कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को टारगेट करने के रीजन से ही स्टूडेंट की पावर अभी अभी ज्यादा हो रही है। तो आखिर में अभी स्टूडेंट के लिए क्या मैसेज देंगे? कीप प्रोटेस्टिंग। जो लोग पॉलिटिशियंस है ना, पॉलिटिशियंस के ऊपर, जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके ऊपर बहुत भरोसा मत रखिए। कुछ भी बदलाव आएगा, फ्रॉम इंडियन फ्रीडम मूवमेंट टू JP मूवमेंट हो, कुछ भी मूवमेंट हो, उसमें सारा भागीदारी स्टूडेंट्स की ही थी। इतने दिन ये लोग क्या किए हैं, दे डिड व्हाट दे वांट। उनको अब खुद, अब 4 साल में, 5 साल में आने वाली इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है, बट स्टूडेंट्स
हम हमारी फ्यूचर लाइक स्टूडेंट्स आर ऑलमोस्ट लाइक 20-30 ईयर के होते हैं, 16-20 ईयर के होते हैं, उन लोगों को उनकी फ्यूचर बड़ी है बिकॉज वी नीड टू लिव मोर 70 ईयर्स ओवर हियर इन कंट्री. बट जो पॉलिटिशियंस हैं जो 60 प्लस हैं, अभी आपको यूथ लीडर मानते हैं 60 प्लस ईयर्स बट ही इज अ यूथ लीडर मानते हैं, वो लोगों फिर उनकी स्पैम भी कम है, उन लोगों सारी दे हैव देयर ओन प्रॉपर्टीज एंड एवरीथिंग टू लीड देयर लाइफ एंड हाउएवर दे विल लीड द लाइफ, कुछ भी हो उनको मैनेजेबल आता है. हम और हमारी नेक्स्ट पीढ़ियाँ, हमारी नेक्स्ट जनरेशन यहाँ पे जीना है तो हम फाइट करना ही जरूर है बिकॉज हमारे वतन को बचाना है. फ्रीडम फाइट से अब तक भी, CAA फाइट तक भी स्टूडेंट्स बहुत बड़ी अपनी पावर बताए हैं, जरूर इसके बाद भी बताएंगे.